मम्मी जायका में आज हम बनाने जा रहे हैं एक रिक्वेस्टेड रेसिपी, फालूदा और फालूदा प्रीमिक्स। बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। रमज़ान महीने में जब हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी और थकान महसूस होती है, तो आप इस प्रीमिक्स से फालूदा बनाएं। आपको तरोताज़ा कर देगा और आपके जिस्म में ठंडक भी पहुँचाएगा। मेरी रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी सामग्री इस प्रकार है। इस तरह का फालूदा प्रीमिक्स बनाने के लिए ये हमने एक बाउल लिया। एक चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे, कोई भी चम्मच ले सकते हैं आप चाहें तो इस तरह का फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर भी ले सकते हैं। इसका प्रीमिक्स भी मैं बनाना बताऊंगी बाद में। इस कॉर्नफ्लोर के अंदर आप ऑरेंज एमल्सन डाल सकते हैं, इसके अंदर एसेंस और कलर दोनों होते हैं। पिस्ता भी डाल सकते हैं या फिर ब्लैक करंट। अगर आपके पास एमल्सन नहीं हो और ये कलर हो, ये देखिए ये लेमन कलर है, दो तीन चुटकी ये डाल दें। दो तीन ड्रॉप्स पाइनएप्पल एसेंस या मैंगो एसेंस या फिर वेनिला एसेंस डाल दें। येलो कलर से आपको तीन फ्लेवर वाले कस्टर्ड पाउडर मिलेगा। मैं ब्लैक करंट वाला बना रही हूँ। दो तीन ड्रॉप्स एमल्सन के डालेंगे। तो अच्छे से मिला लें। दो तीन ड्रॉप्स और डालेंगे। इसको भी मिला लेंगे। ये हमने एमल्सन और कॉर्नफ्लोर को अच्छे से मिक्स कर लिया। ये देखिए एक चम्मच सब्जा सीड डालेंगे। ये इस तरह के होते हैं, गुजरात में इसे तुकमरिया कहते हैं। ये देखिए, और राजस्थान में इसे बापची कहते हैं। ये डालेंगे और चार चम्मच हम शक्कर डालेंगे। शक्कर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इन सबको मिला लें। ये मैंने वर्मी सेरी ली है। ये देखिए इस तरह की सेवइयाँ होती है जो मार्केट में इजीली उपलब्ध होती है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह का पैकेट होता है, बहुत लंबे टाइम तक चलती है। आप इससे उपमा बना सकते हैं, सेवइयाँ का जर्दा बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। फालूदे में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत सस्ता पैकेट है ये। दो चम्मच हम ये डालेंगे। आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। इन सबको अच्छे से मिला लें। ये देखिए ब्लैक करंट फालूदा मिक्स तैयार है। आप इस तरह के कांच के बाउल में भर के रखें, पूरे रमज़ान ये काम आएगा। या फिर इस तरह की थैली में लॉक करके रख लें। ये देखिए अच्छे से एयर टाइट करके रखें। और आपको जब भी रमज़ान में फालूदा बनाना हो तो ये प्रीमिक्स को मिलाएं और फिर आपका फालूदा तैयार। इसको मैं बनाना भी बताऊंगी। अब मैं आपको कस्टर्ड पाउडर से फालूदा मिक्स बनाना बताती हूँ। ये देखिए बहुत ही इजी प्रोसेस है। कई जगह एमल्सन कलर वगैरह नहीं मिलते, लेकिन ये कस्टर्ड पाउडर आराम से मिल जाता है, तो आप इससे भी कई फ्लेवर का बना सकते हैं और बहुत सस्ते में बना सकते हैं। चार चम्मच शक्कर डालेंगे, एक चम्मच सब्जा के सीड्स और दो चम्मच वर्मीसेली यानी सेवइयाँ। आप चाहें तो जर्दे वाली सेवइयाँ भी ले सकते हैं और इसको घर में भी बना सकते हैं, लेकिन बाज़ार में बहुत सस्ती मिल जाती है, इसके लिए आप इसे बाज़ार से ख़रीद लें, ऑनलाइन भी मिलता है। ये डालेंगे, एक चम्मच कस्टर्ड पाउडर डालेंगे। इन सबको भी हमें अच्छे से मिला लेना। ये देखिए हमने ब्लैक करंट और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का फालूदा प्रीमिक्स तैयार करके रखा है। इसी तरीके से हमने इस तरह की थैलियों में भी पैकिंग करके रखी है। ये देखिए ये ब्लैक करंट है, ये केसर है, मैंगो, स्ट्रॉबेरी और रोज। आप भी रमज़ान से पहले इस फालूदा प्रीमिक्स को तैयार करके रखें, इस तरह की थैलियों में रखें या फिर इस तरह के डब्बों में डाल के रखें। ये 6-8 महीने तक भी ख़राब नहीं होगा।
आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। प्री मिक्स से फालूदा बनाने के लिए ये हमने एक पैन लिया है, इसके अंदर एक कप यानी 250 ml पानी डालेंगे। इस प्री मिक्स से लगभग 750 ml जितना फालूदा बनता है, इसके अंदर हम फालूदा प्री मिक्स डालेंगे। इसको हमें रेगुलर चलाना है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्स गुठलियाँ वगैरह नहीं पड़े। ये देखिए हमने फालूदा प्री मिक्स को लगभग 1 मिनट के लिए पकाया है। अब हम इसके अंदर 500 ml दूध डालेंगे, ये फुल फैट वाला है दूध। इसको अच्छे से मिला लें। एकदम स्लो गैस पे 3 से 4 मिनट अच्छे से इसको पकाएंगे ताकि कस्टर्ड पाउडर का जो कच्चापन है वो निकल जाए। ये हमने फालूदा को लगभग 4-5 मिनट अच्छे से हिला के पकाया है, ये देखिए बिल्कुल भी नीचे नहीं लगा है। अब हम इसे ठंडा होने देंगे, पहले इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दें और बाद में फ्रिज में रख दें। आप रमज़ान के महीने में इसे सुबह में ही बना के रख लें ताकि आपके लिए ईजी रहे और आपको थोड़ा ठंडा ठंडा मिले। फालूदे को हमने 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। फालूदे को हम ग्लास के अंदर डालेंगे, थोड़ी सी वेनिला फ्लेवर वाली आइसक्रीम डालेंगे, थोड़ी स्ट्रॉबेरी रखेंगे क्योंकि ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला है। ये देखिए हमने फालूदा प्री मिक्स और उसी से हमने फालूदा भी बनाया है, तो आप भी रमज़ान में इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत अच्छा लगेगा और रमज़ान की तो जान है ये। मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ।